हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल बाई संदीप। दोस्तों, आज एक गाड़ी अपाची RTR 200 सीसी की बाइक है। इसमें क्या है कि इसका क्लच प्लेट डिस्टर्ब है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। जैसा कि हम आपको पहले प्रॉब्लम दिखा दें, यहाँ पर देखिए न्यूट्रल लाइट शो कर रही है। न्यूट्रल लाइट खत्म हो गई, पूरा छोड़ दिया है क्लच, फिर भी पिकअप नहीं है। पूरा क्लच छोड़ने के बाद फिर भी पिकअप नहीं। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल लाइट खत्म हो गई है। हम थोड़ा न्यूट्रल करके देखते हैं। देखिए न्यूट्रल हो गई, हट गई यहाँ पे। यहाँ पे क्लच लेके अब गियर लग, यहाँ पे गियर लग गई, न्यूट्रल हमारी हट गई। अब देखिए गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भाग रही है, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भाग रही है। ठीक है, तो हम इसका क्लच प्लेट खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है, फिर आगे हम वीडियो में बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, कवर हमने हटा लिया है, क्लच प्लेट देखिए कैसे वो फ्री जा रही है। खोलने के लिए हम कुछ इस चीज़ से सपोर्ट लगाएंगे, जैसे हमने इस पेचकस से सपोर्ट लगा लिया है ताकि ये ज़्यादा घूमे ना और आसानी से खुल जाए। इसमें देखिए मोबिल बिल्कुल भी नहीं है। क्लच प्लेट जलने का एक और प्रॉब्लम इससे भी होता है, जब मोबिल नहीं होती है तो भी क्लच प्लेट जल जाती है। अब इसका बोल्ट हम खोलेंगे, सीधा चूड़ी की बोल्ट होती है, इसको हम इसमें लगा देंगे ताकि कवर करें। उसके बाद हम इस पर लगा के और पाइप की मदद से इस पर खोलेंगे। अब इसमें आपको दिखाते हैं क्लच प्लेट और इसका हब सेंटर क्या क्या कंडीशन है। ये भी कट गई है लेकिन लगभग चल जाएगी। और ये सब देखते हैं, इसे पूरी लाइनिंग बन चुकी है, ये क्लच प्लेट पूरी तरह से हार्ड हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि कम खर्चे में इसको बनाने हैं तो वैसे तो बदलने के लिए ये भी बदलने वाली हो गई, इसको भी एक्सचेंज करना था। पर ये कस्टमर का कहना कि इसको एक्सचेंज ना किया जाए, केवल किसी तरह एक आध दो महीने चलने के लिए बना दिया जाए, जैसे इस गाड़ी को सेल करनी है तो इस हिसाब से बनवा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, सीधा केवल क्लच प्लेट इसमें चेंज करके इसको बांध देंगे। तो चलिए क्लच प्लेट इसमें डाल के डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें नया क्लच प्लेट फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर हमारे पास क्लच प्लेट आएंगी, फिर प्रेशर प्लेट आएंगी। इस तरह करते हुए सारे क्लच प्लेट के बाद एक के बाद एक प्रेशर प्लेट डालते रहेंगे। क्लच प्लेट हो गई, उसके बाद प्रेशर प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 क्लच प्लेट होंगी और 5 प्रेशर प्लेट इसमें अपाची 200 में 6 क्लच प्लेट और 5 प्रेशर प्लेट होंगी। ठीक है, उसके बाद इस डॉट को देखेंगे, दोनों साइड डॉट दिया है और इस पर भी दोनों साइड डॉट दिया है। तो डॉट डॉट को मिलाते हुए इसको लगाएंगे, अगर मिलाएंगे नहीं तो सेट नहीं खाएगी। जैसे कि आप देखिए डॉट यहाँ पर है और एक डॉट यहाँ पे है, कितना का अंतर, इतना का अंतर है। अब इसमें किसी भी तरह से एडजस्ट करेंगे नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस डॉट को हम डॉट से मैच कराएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से चिपक गई, आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरे चिपक गई। ये डॉट सामने है यहाँ पर और इसी जस्ट सामने ये डॉट है। ठीक है, तो हम इसको इसमें फिटिंग कर देंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो वार्सल है, देखिए आप जब क्लच खोलेंगे तो दो वार्सल आपको मिलेंगे, एक पतली एक मोटी। मोटी वार्सल को अंदर डालेंगे और आप सोच रहे होंगे धुले नहीं है इसमें, फिर पुराना मोबिल ही डालना है इसीलिए धुल नहीं रहे हैं। फिर धुलने से क्या फ़ायदा, जब पुराना ही मोबिल पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग कर देंगे। देखिए अच्छी तरह से बैठ चुकी है। उसके बाद से हम इस पर एक वार्सल डालेंगे, फिर ये सीधी चूड़ी की नट होती है, इसको हम इस पर लगा देंगे। ठीक है, अब लगाने के बाद क्या करेंगे, होल्डर क्लच होल्डर से पकड़ के इसको टाइट कर देंगे। चलिए हम टाइट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं।
एक चीज देखिए, इसमें एक चीज़ के गड़बड़ हुआ है। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान दें कि ये फ्री घूमना चाहिए, ये फ्री नहीं घूम रही है। इसको हम फ्री करते हैं। फ्री करने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी इसको ढील करेंगे, इसको लूज करेंगे थोड़ी सी। लूज हो गई, अब इसको टाइट कर देंगे। देखिए हल्की सी इसको घुमाया है, देखिए कितना फ्री हो गई। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे टाइट। टाइट हो गई। अब देखिए टाइट करने के बाद देखिए पूरी फ्री तरह घूम रही है। ये चीज़ जरूर चेक करें, जब ये फ्री नहीं घूमेगी तो आप जब से क्लच छोड़ेंगे, क्लच जब लेंगे तो ही चक्का इसका घूमना शुरू कर देगी, क्लच काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको हम फ्री रखेंगे। चार स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग को इसमें लगा के अब हम 10 नंबर टी से इसको टाइट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए सारा चीज़ ओके हो गई। ये बाकी काम तो हीरोंडा की तरह होती है, जैसे हीरो बाइक में अब करते हैं काम उसी तरह। ठीक है, ये पूरा पहले टाइट हो गई। देखिए जब टाइट होती है इसकी लेवल में आ जाती है, उसके बाद हमारी घूमेगी नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस इसको क्लच कवर बांध देना है। उसके बाद से हम इसको क्लच कवर बांध कर और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। उसमें एक चीज़ ये ध्यान दें आप, जब इसको आप लगाएंगे तो टीवीएस बाइक में छर्रा देती है। देखिए ये जो छर्रा है हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, ये छर्रा इसके अंदर जाएगी, तो आप इसको इसका ध्यान दें कि छर्रा गिरे ना। ठीक है, उसके बाद से इसको हम इसमें फिट कर देंगे। ठीक, और इसको हम लगाएंगे कवर के इसके अंदर, इसके अंदर हम इसको ऐसे फिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे जब क्लच लेंगे तो इसे पुश करेगी, ऊपर उठेगी। ठीक, अब इसको हम अच्छी तरह से सलाख लगा के इस पर बांध देते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करके दिखाते हैं।